हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक यू टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को मिर्च पोस्ट पेंट करके बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, पेंट करने के लिए हम ब्लू कलर का कपड़ा लिए हैं और उस पर हम वाइट कलर से डिज़ाइन बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मेरा वीडियो का जो भी अगला नोटिफिकेशन आए वो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, देखिए हमने इस पे डिज़ाइन बना लिया है। इसके बाद से हम इस पूरे कपड़े पे हम वाइट कलर से ही पेंटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले हम पत्ते को पेंट कर रहे हैं। कुछ डिज़ाइन को हम पहले ही पेंट कर लिए हैं और कुछ डिज़ाइन को आप लोग के सामने पेंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हम पेंट करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम पत्ते का आउटलाइन बनाएंगे, उसके बाद से हम इसको डार्क करके और चौड़े ब्रश से ऊपर से नीचे की तरफ शेड डालेंगे। ऐसे ही हम प्रत्येक पत्ती को बना लेंगे। जिससे हमारा जो भी पत्ता तैयार होगा वो बहुत ही प्यारा दिखेगा। तो फ्रेंड्स, हमने चारों किनारों पे ऐसे ही फ्लावर बनाए हैं। इस फ्लावर को भी हम ऐसे ही पेंट करेंगे। इस फ्लावर के प्रत्येक पत्ती को हम ऐसे ही पहले आउटलाइन करेंगे, उसके बाद से हम ऊपर से नीचे की तरफ शेड डालेंगे। तो फ्रेंड्स, जब मेरा एक पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जब पेंटिंग कंप्लीट होगा तो बहुत ही प्यारा दिखने वाला है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हम प्रत्येक पत्ती को पेंट करते जाएंगे। हमने चारों किनारों पे ऐसे ही डिज़ाइन करके पेंट कर लिया है और बीच में हमने छोटा सा फ्लावर बनाया है, जिसे पेंट करके आप लोगों को बताएंगे और दिखाएंगे भी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, देखिए ऐसे ही हम वाइट कलर से ऊपर से नीचे की तरफ से डालेंगे। हमने इस पेंटिंग को बनाने के लिए चौड़े ब्रश का यूज किया है और आउटलाइन करने के लिए पतले ब्रश का यूज किया है। किसी भी फ्लावर को पेंट करने के लिए सबसे पहले उसका आउटलाइन करना होता है, जिससे फ्लावर बहुत ही उभरा हुआ दिखता है। तो फ्रेंड्स, देखिए मेरा फ्लावर कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर हम छोटा सा एक पत्ता बनाए हैं जिसे हम पेंट कर रहे हैं। इस पत्ते का भी हम सबसे पहले आउटलाइन किए हैं, उसके बाद से हम चौड़े ब्रश से ऊपर से नीचे की तरफ शेड डाल रहे हैं। ऐसे ही हम चारों किनारों पे ऐसे ही फ्लावर के ऊपर हमने छोटे छोटे पत्ती को बना लिया है और ऐसे ही ऊपर से नीचे की तरफ शेड डाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग पूरा वीडियो कंप्लीट होने के बाद से आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद से इसके बीच में हम वाइट कलर से ही इसकी नसें बनाएंगे, जो बहुत ही प्यारा दिखने वाला है। तो फ्रेंड्स, देखिए मेरा चारों किनारों का कंप्लीट हो गया है पेंटिंग। अब हम बीच के फ्लावर को बना रहे हैं। बीच के फ्लावर को बनाने के लिए हम सबसे पहले पतले ब्रश से इसका आउटलाइन बनाएंगे, उसके बाद से हम चौड़े ब्रश का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।